भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के घर और कार्यालय पर सीबीआई के छापेमारी पर बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार आए दिन कहती है कि नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन गत दिवस भाजपा के बड़े नेता पर सीबीआई छापा हैरानी वाला है। उन्होंने कहा कि आजकल हिमाचल की राजनीति में नया चलन शुरू हुआ है, जिसमें कई नेता राजनीति की आड़ में लोगों को पैसा बांटने में लगे हुए हैं, जिसकी भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकतंत्र की गरिमा को भी आहत हो रही है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है या आम जन का कि भाजपा सरकार कहती है कि मेरी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। उनका प्रदेश का अध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष जो है, उसके कारनामों से ये सिद्ध होता है कि सरकार में बोलने को कुछ है और करने उनके जो कार्यक्रम हैं कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो झूठ बोलना और देश की जनता को गुमराह करने का इस पार्टी का और सरकार का दायित्व बना हुआ है, लेकिन आम जन को जो है इससे पीड़ा होती है और इस तरह से और भी और लोग जो हैं वो इन क्षेत्रों में जो अपने आप को लूट का सरगना मानते हैं। और भी आजकल राजनीति में हिमाचल में एक ट्रेंड चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भेड़ की खाल उड़ के भेड़िए बने हुए हैं और हर क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में आके दानवीर बने हुए हैं। मेरा यह कहना है कि सरकार उनकी भी जाँच कराए कि उनके सोर्स कैसे हैं और उन सोर्सों को वो किस तरह मोबालाइज कर रहे हैं। अगर जीरो टॉलरेंस है तो उनके सोर्स को कैसे किस तरह मोबिलाइज कर रहे हैं और वो हर जगह जो वो पैसे लोगों को बांट रहे हैं, जो कि राजनीति में लोकतंत्र में इस चीज़ को कोई जगह नहीं है। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो राजनीति के पखाने में इसमें राजनीति के दौर में सीधे आएँ और इस तरह चोर दरवाजे से कहीं से पैसा इकट्ठा करके कहीं जाके बांट देना और राजनीति करना, ये भी लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है और आने वाले कल जो है वो देश की जो प्रदेश के लोग हैं इससे भी चिंतित हैं कि ये लोगों को इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज नगर निकाय और पंचायतों के चुनावों में जीतने के बाद झूठे आंकड़े पेश करने में सरकार लगी है। उन्होंने कहा कि प्रधान और उपप्रधान के अलावा बीडीसी व जिला परिषद चुनावों को भी पार्टी चिन्ह पर करवाएं ताकि सच सबके सामने आए। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय के चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों में महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए जीत दिलाएगी। पहले तो ये माना जाता था कि पार्टी चिन्ह में जो है वो एमएलए और ना पार्लियामेंट में और विधानसभा में चुनाव हों। हमने छोटे लेवल पे जो है वो गांव लेवल में या घर लेवल में जो है लोगों को बांटना नहीं है, लेकिन परिस्थिति बदलती गई है और आज ये आज के दौर में जिस तरह इन निकाय के चुनावों को होने के बाद या पंचायतों के चुनावों को होने के बाद झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं और किस विचारधारा के लोग जीते हैं, किसके नहीं जीते हैं और उनकी अदला बदली खरीद फरोख्त होती है, तो ये मैं स्वागत करता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि सरकार और आगे नीचे जो डायरेक्ट चुनाव है जहाँ प्रधान उपप्रधान का, उसको भी पार्टी चिन्ह पे ले जाए और जो बाढ़ पंच का है उसको खुला छोड़े। तो मैं समझता हूँ कि वो जो खरीद फरोख्त और ये धक्का मुक्की की जो बात होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आने वाले चुनावों में जो चुनाव होंगे निकाय के और जो इस वक्त जो प्रदेश सरकार है या देश की सरकार है, जिस तरह महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून का टूटना और अत्याचारों के जो दौर चले हैं, आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और जो है वो सरकार को आईना दिखाएगी।